हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। दन 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 आहा आहा। बेटे इतनी ज्यादा सर्दी है और आप बर्फ के ऊपर वो स्लाइड ले रहे हैं। अंकल सर्दी हमें नहीं लग रही, आपको लग रही है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है। ये कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग जब बच्चों को कहते हैं ना बेटा स्वेटर पहन लो सर्दी बड़ी है, तो सर्दी बच्चों को नहीं लग रही होती, वो बूढ़े बाप को लग रही होती है। वाह क्या बात है। ये ऊंट तो मैंने कराची के समुद्र के साहिल पर देखा था, ये इधर पहुंच गया है, हैं क्या बात है, बहुत आला। मेरी बात सुनो, ये आपके ऊंट के ऊपर तो दो बंदे बैठ सकते हैं, आपके ऊंट पे पांच बंदे क्यों बैठ रहे हैं? असल में सर पहले जो है ना दो सवारी बिठा था तो उसमें कम पैसे आता था, अब महंगाई बहुत हो गई सर, इसलिए ज्यादा बिठाए तो थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब मुनाफा मिल जाए तो अच्छा। तो एक बंदे से एक बच्चे से कितने पैसे लेते हैं? 100 रुपए लेते हैं सर। 100 रुपए जी। और ये कितनी सीटें हैं इसमें? 5 सीटें सर हैं। 5 सीटें बेक वक्त 500 रुपया जी। हाय हाय हाय, आपने ऊंट बड़े देखे होंगे लेकिन देखें आज हम आपको 5 नशिस्तों वाला ऊंट दिखाते हैं, आप इसको कह सकते हैं चिंगची ऊंट रिक्शा। आज सुबह से मौसम जो है अपने रंग बदल रहा था, कभी धूप कभी छांव कभी बादल, और अब मैं व्यू पॉइंट पर आया हूँ। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत यहाँ पर नज़ारे हैं, ना धूप है ना ही यहाँ पर बादल आए हुए हैं, बल्कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। दन 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 आहा आहा। मैं इसलिए हुश हूँ कि जो भी यहाँ व्यू पॉइंट तक आता है बर्फबारी देखता है वो यहीं का होकर रह जाता है। वाह वाह, इस बेटी ने क्या बनाया है, मेरी बेटी आपने क्या बनाया है? ये मैंने स्नोमैन बनाया, बर्फ में आओ स्नोमैन ना बनाओ तो ये तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, लोग तो स्नोमैन इतना बड़ा बनाते हैं, आपने तो चुन्ना सा स्नोमैन बना दिया। क्या आपके पास बर्फ कम थी है? क्या हुआ है? नहीं, ये बहुत क्यूट सा है, चुन्ना भी सही होता है। चुनना भी सही होता है, ये है हमारी प्यारी बेटियां जो अपने टैलेंट दिखाती हैं, बर्फ से भी चुन्ना मुन्ना स्नोमैन।